तो हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। तो बेसिकली कोई भी अपकमिंग स्मार्टफोन हो और उसके बारे में एक बड़ी सी हाइप हो जाए तो ऑब्वियसली उसके फर्स्ट सेल के लिए उसको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, फिर वो वन प्लस नॉर्ड हो या फिर आने वाला सैमसंग गैलेक्सी M31S। इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन बुरे होते और इसके लिए उनको बहुत बड़ी हाइप करनी पड़ती है, हाइप हो जाती है। और जहां तक बात है सैमसंग गैलेक्सी M31S की, तो यहाँ पे इस बार आपको बहुत अलग अलग फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी M सीरीज में नहीं देखे हैं। मगर यहाँ पे कुछ और बातें भी हैं जिनके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा और जिनके बारे में बात करनी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज इस फोन के आने वाले फीचर्स के बारे में, साथ में कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसके सारे फीचर्स और ड्रॉबैक्स, लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप, मैं हूँ आपका दोस्त चिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल बस मेरी ये एक रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, बाकी लाइक डिसलाइक पूरी तरह आपके ऊपर है। और साथ ही में ये वीडियो इतना सा भी इंटरेस्टिंग या फिर यूजफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज्यादा मायने रखता है। और साथ ही में मैं हमेशा इसी तरह कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स के, साथ ही में नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स की ज्यादातर कुछ अच्छी बातें आपके सामने लेके आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31S के बारे में, जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है आने वाले 30 तारीख को, यानी कि 30 जुलाई को। अगर आप इस वीडियो को 30 जुलाई से पहले देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मगर 30 जुलाई के बाद देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर उसको परचेस कर पाएंगे। तो बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं इस बार, उन फीचर्स को आपने इससे पहले कभी भी M सीरीज में नहीं देखा है। हालांकि इनमें से जो एक दो फीचर्स है वो अभी तक सैमसंग के कुछ अफोर्डेबल सीरीज में आपको कभी भी देखने को नहीं मिले, वो सिर्फ फ्लैगशिप सीरीज या फिर प्रीमियम सीरीज के लिए मतलब ऐसे लॉक करके रखे थे, इस बार वो आपको अफोर्डेबल सीरीज में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 6.4 या फिर 5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 6000 mAh की बैटरी, और यहाँ पे आपको 64 MP का एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिल रहा है वही प्रोसेसर Exynos का 9611। तो यहाँ पे बात ये आती है, आप सोचेंगे कि भाई ये सारे फीचर्स हमको M31 में देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अलग से बात क्या है। तो यहाँ पे अलग बात है इसके जो नए फीचर्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल रहा है एक पंच होल कैमरा डिस्प्ले, जो M सीरीज में मेरे ख्याल से सिर्फ दूसरा फोन होगा। इससे पहले जो फोन है वो है M40, मगर वो भारत में इतना ज्यादा चला नहीं और वहां पे LCD स्क्रीन था। तो यहाँ पे आपको M सीरीज में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिला है, वो भी पंच होल कैमरा सेटअप के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे मिल रही है 6000 mAh की बैटरी, और जिसके साथ इस बार आपको मिल रहा है 25 वॉट का फास्ट चार्जर। अब ये चार्जर इन बॉक्स हो गया या फिर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर यहाँ पे ये 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6000 mAh के बैटरी को चार्ज कर पाना मतलब जो यूजर्स थे उनको तो मतलब सालों लग जाते थे, मतलब 2 घंटे का टाइम लगता था यहाँ पे। तो इस चार्जर्स के मदद से मेरे ख्याल से आप 1 से 1.5 घंटे के बीच इस फोन को चार्ज कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पर आपको मिल रही है रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी, जिसकी मदद से आप वायरलेस रिवर्स चार्जिंग नहीं है ये, यहाँ पे सिर्फ केबल के थ्रू आप अपने फोन से किसी और फोन को या फिर किसी भी और डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके पास अगर 6000 mAh की बैटरी है तो इसकी मदद से आप किसी भी छोटे डिवाइस को या फिर किसी भी फोन को एटलीस्ट चार्ज तो जरूर कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तीसरी बात, इस बार आपको मिल रहा है 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप, जो हालांकि बहुत सा मिलता जुलता है सैमसंग गैलेक्सी M31 जैसा ही, मगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इस बार कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जहाँ पे एक अलग सा फीचर है जिसका नाम है सिंगल टेक या फिर कहिए वन टेक। यहाँ पे एक ही क्लिक पर आपको बहुत सारे अलग अलग शॉट्स एक ही शॉट में मिल जाएंगे, यानी कि एक ही बार क्लिक करने पर। जैसे कि अगर आपको लगता है कि भाई ये जो वीडियो है वो स्लोमो में भी चाहिए, नॉर्मल मोड में भी चाहिए, साथ में हाइपरलैप्स भी चाहिए, और जहाँ तक बात करते हैं हम फोटोज की, तो आपको लगता है ये एक नॉर्मल फोटो भी चाहिए, वाइड एंगल भी चाहिए, और साथ ही में आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड और माइक्रोलेंस की भी फोटो चाहिए, तो आपको हर बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्लिक कर दीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए, और इसके साथ ही में यहाँ पे वो 10 शॉट्स एक ही शॉट में ले लेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, मतलब आपका टाइम भी बच जाएगा और एक ही शॉट में आपको सारे शॉट्स मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन कर दिया है ना, बेस्ट है मेरे ख्याल से। और जहां तक बात है डिस्प्ले की, तो हमेशा की तरह यहाँ पे आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो सैमसंग का बेस्ट डिस्प्ले माना जाता है, मगर इस बार इसका जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD प्लस। तो ऑब्वियसली इस पे जो डिस्प्ले होगा इस बार का वो होगा और ब्राइटर और शार्पर, जो बहुत अच्छी बात है।
और जहां तक बात है इसके ड्रॉबैक्स की, तो यहाँ पे एक दो ड्रॉबैक्स है मेरे ख्याल से। तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है इसका चिपसेट जो है Exynos का 9611। Exynos 9611 में आपको बता दो, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट फ्रॉम Samsung फॉर मिड रेंज स्मार्टफोन्स। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस चिपसेट के साथ उसने बहुत सारे फोन्स बना लिए Samsung ने, जैसे कि Samsung Galaxy M21 में भी आप इस प्रोसेसर को या फिर इस चिपसेट को देख सकते हैं, और यही पे ये जो प्रोसेसर या फिर ये चिपसेट है वो आपको Samsung Galaxy A51 में भी देखने को मिलता है। मतलब 12,000 से लेकर 25,000 तक यही प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आपको कोई और कंपनी कुछ और या फिर अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली Samsung को भी कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। ये प्रोसेसर बहुत अच्छा है, मगर आप यहाँ पे काम करते हैं कुछ हेवी गेमिंग के लिए वगैरह, तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको मीडिया कंजम्पशन करना है, एक रेगुलर यूज करना है, तो ये बेस्ट प्रोसेसर हो सकता है। मगर यहाँ पे आप बात करते हैं PUBG जैसे बड़े गेम की या फिर उसके जैसे और कुछ गेम्स की, तो आप हाई लेवल पर इसको नहीं खेल पाएंगे। और यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का 730G होगा या फिर 720G होगा वो इससे बेटर काम करेगा। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर Samsung कोई और प्रोसेसर देता है तो बहुत अच्छी बात होती, मगर यहाँ पे मेरे ख्याल से जो रूमर्स है उसके हिसाब से ये 9611 ही होने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पे उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत हद तक Samsung Galaxy M31s जैसा ही है। बस यहाँ पे जो बैक में जो कलर है आपको डुअल कलर के ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो कुछ अलग चेंजेस नहीं है। मतलब ये ड्रॉबैक नहीं है मगर बताना ज़रूरी था। और जहाँ तक बात है इसके Samsung Pay के सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपको Samsung Pay का सपोर्ट नहीं मिल सकता क्योंकि ये M सीरीज है। Samsung Pay Mini का सपोर्ट तो मिल सकता है, मगर Samsung Pay का जो फुल सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली Samsung बहुत बड़ी कंपनी है और वो अपने जो कुछ अलग फीचर्स है वो अपने फ्लैगशिप या फिर प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए मतलब ऐसे छुपा के रखती है, तो कोई बात नहीं है। मगर इस प्राइस रेंज में आपको जो एक पैकेज मिल रहा है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पैकेज हो सकता है। और साथ में इसकी जो प्राइस है वो करीब 20,000 के आसपास होने वाली है, और हो सकता है थोड़े दिनों में कम हो जाए। इसके जो वेरियंट हो गया वो मेरे ख्याल से इसका जो फर्स्ट वेरियंट होगा वो 6GB से या फिर 8GB से स्टार्ट होगा। 4GB का वेरियंट इसमें इस बार आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। 128GB का स्टोरेज होगा और साथ ही में जो 256GB का भी स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और हमेशा की तरह यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल कुछ स्पेसिफिकेशन थे, फीचर्स थे, और मेरा ओपिनियन था Samsung Galaxy M31s के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या ये फ़ोन मतलब M30s या फिर M31 जैसा बहुत पॉपुलर हो जाएगा या फिर फ्लॉप हो जाएगा? जो कुछ भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और लोगों को भी आपके कमेंट्स के द्वारा आपके जो विचार है वो लोगों तक पहुँच पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।